दोस्तों, अगर ये गलती करेंगे तो ये जो नेटवर्क कभी भी ज़िंदगी में आपका ये फ़ोन का नेटवर्क नहीं बनेगा, और इस आईसी में हमेशा दिक्कत होती है ज़्यादातर दोस्तों। तो आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर करूँगा, एक ए टू ऑल स्टेप बाय स्टेप सारा काम सिखाऊँगा, पूरा नेटवर्क बनाऊँगा आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में बात होती है और मोबाइल से जुड़ी बातें होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं ये एमआई का फ़ोन कर रहा था, इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो मेरे को बहुत से मैसेज आए हुए थे कि सर नेटवर्क के ऊपर आप बनाए नहीं वीडियो। तो आज मैं थोड़ा सा टाइम भी मिला मेरे को, और मैंने आपको बताना भी था कि नेटवर्क प्रॉब्लम अगर आपके पास ऐसे आ जाती है तो हम इसको कैसे बनाएंगे। आज इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना, पूरा आपको डिटेल में पूरा कवर अप करूंगा। जिसको आता है बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं आता आप पूरी वीडियो देखिए, आपके बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी दोस्तों। कोशिश करूंगा इस वीडियो को, इस फ़ोन को बनाने की और आप लोगों को लाइव दिखाने की कि इसके अंदर हम कैसे नेटवर्क लाएंगे। तो दोस्तों, नेटवर्क लाने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है और क्या चीज़ हमने स्टेप बाय स्टेप काम करना है, एकदम अटैक नहीं करना किसी चीज़ के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो समझ में आएगा। अगर हम एक साथ एकदम ही काम दूसरी जगह में काम कर लेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और आपका जहाँ टाइम 10 मिनट लगने वाला होगा, 1 घंटा लगेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, उसमें जिसपे आपने हमारे अपना इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन नंबर लिखा हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और कोर्स। तीसरी चीज़ के अलावा और कुछ भी मत लिखना दोस्तों, सिर्फ नाम लिखें अपना, अपने सिटी का नाम लिखें और कोर्स लिखें अगर कोर्स करना है तो। अगर आपने कोई सोल्यूशन लेना है, प्रॉब्लम आ रही है फ़ोन के अंदर, तो आप सोल्यूशन प्रॉब्लम्स डालें। मैं अगर फ्री हूँगा तो मैं आपको ज़रूर मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर मैं किसी भाई का रिप्लाई नहीं दे पा रहा किसी कारण, तो समझ लो मैं बिज़ी हूँ और मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा, उसके लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, माफ़ी मांग रहा हूँ। नाराज़ बिल्कुल भी मत होए, गुस्सा बिल्कुल भी मत करें दोस्तों। तो अभी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको हमेशा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, समझाऊंगा आपको और आपको सोल्यूशन दूंगा, छोटे से लेकर बड़ा सोल्यूशन, सारा जितना सोल्यूशन मेरे पास आते हैं, जितने भी मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन के ऊपर एक और ऑल बटन है, उसको भी आप क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। उसको क्लिक करेंगे, जितने भी आपके पास जो मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ आपके पास आते रहेंगे, और आप मोबाइल का काम सीखते रहेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, एमआई का फ़ोन नेटवर्क प्रॉब्लम, इसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल इसके अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा। तो अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आ जाता है एमआई का, या कोई भी फ़ोन आता है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप तो सबसे पहले चेक कर रहे हैं इसके अंदर जो सिम डली हुई है कि वो सिम और अपना ओके है या नहीं है। मतलब कई बार सिम बंद हो जाती है पीछे से और कस्टमर ले आता है फ़ोन, तो हम चेक नहीं कर पाते और ऐसे ही हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट आप चेक करना है कि सिम एक्टिवेट है या नहीं है, ठीक है ना। दूसरा स्टेप, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ, जो नए हैं इस लाइन के अंदर उनको पता होना चाहिए कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे चेक करेंगे। दूसरा स्टेप दोस्तों, इसके अंदर आप ईएमआई चेक करेंगे। सबसे पहले इसका ईएमआई करप्टेड तो नहीं है, कई बार ईएमआई करप्टेड होने के बाद भी ये चांसेस हो जाते हैं या नेटवर्क नहीं आते, ठीक है ना। तो आपने ईएमआई चेक करना है इसके अंदर, *#06#। तो इसके अंदर दोस्तों ईएमआई बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, यानी कि ये इसके अंदर ईएमआई करप्टेड नहीं है, इसके अंदर ईएमआई बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब सेकंड स्टेप, जो पहले स्टेप बता दिया आपको सिम चेक करनी है, सेकंड स्टेप जो आपको बताया वो ईएमआई नंबर चेक करना है कि कहीं बार ईएमआई से करप्टेड नहीं है, क्योंकि ईएमआई से हमेशा नेटवर्क आता ही है, आपको पता ही होना चाहिए, रजिस्टर्ड होता है ये नंबर। उसके बाद आपने सेटिंग खोलनी है, सेटिंग खोलने के बाद आपने इसका बेसबैंड चेक करना है दोस्तों। बेसबैंड हम चेक करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ बेसबैंड भी बिल्कुल ओके रिपोर्ट दिखा रहा है। तो मतलब हमारे जो 3 स्टेप होते हैं जो चेक करने के, सबसे पहला आपने सिम चेक करनी है कि सिम एक्टिवेट है या नहीं है। दूसरा ईएमआई नंबर चेक करना है कि ईएमआई नंबर कहीं इनवैलिड तो नहीं है या क्वेश्चन मार्क तो नहीं आ रहा।
और दूसरा तीसरा जो चेक करना है वो है बेसमेंट, जो मैंने आपको अभी चेक करा है। अभी फिलहाल इसके अंदर सब कुछ ओके है, ठीक है ना। अभी मैं इसके अंदर दोस्तों सेटिंग करेंगे, सेटिंग में जाके हम मोबाइल नेटवर्क में जाएंगे और ये जो मोबाइल नेटवर्क है इस पर जाके सिलेक्ट करेंगे। ये चॉइस ऑटोमेटिकली है, इसको आप बंद कर दें और ये मैनुअली लेगा। ये देखिए ये मैनुअली सर्च करेगा आपका आसपास जो भी नेटवर्क है उसको सर्च करेगा, तो इसका देखते हैं क्या आता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। बने रही वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहना दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा क्लियर करवाऊंगा इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों अभी इसके अंदर नेटवर्क नहीं आया, मैं दोबारा से रीट्राई करता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क आना चाहिए, या मतलब कुछ ना कुछ नेटवर्क शो करना चाहिए, वोडाफोन, एयरटेल या कुछ भी, आइडिया, डॉल्फिन, MTNL। तो देखिए दोस्तों यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, मैंने दो तीन बार ट्राई करके देख लिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो आपने स्टेप बाय स्टेप काम करने हैं, तीन स्टेप मैंने बता दिए, चौथा स्टेप ये बता रहा हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों मतलब यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, तो अभी फिलहाल मैंने सारे स्टेप्स इसके अंदर आपको बता दिए। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, इस फोन को हम करेंगे ओपन, ठीक है ना। अभी मैंने ये ओपन कर लिया था, इसका अब हम इसका पीछे खोलेंगे, मैंने इसका स्क्रू भी निकाल लिया था, सॉरी वीडियो लंबी ना बने। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिया दोस्तों। अभी ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे जो नेटवर्क सेक्शन है वो ये चीज़ है, आपने देखा होगा इस नेटवर्क सेक्शन पे हमने काम करना है। उस नेटवर्क सेक्शन के अंदर देखना है कि कौन सा कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है, कोई ओपन तो नहीं हो गया हमारा सिस्टम के जिसके कारण हमारे पास यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। तो पूरी डिटेल में आपको देखना है, समझना है उस चीज़ को। तो अभी मैं दोस्तों क्या करूँगा, इसको फ़ोन को हम ऑन ही रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीधा डायरेक्ट हॉट टेस्टिंग करके देखेंगे। आप कोल्ड टेस्टिंग भी कर सकते हैं दोस्तों, हम हॉट टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। ये हमारी WDR IC है, जो आपको पता ही होना चाहिए, हमारा CPU बेसिस वर्क होना होता है। जितने भी टेक्नीशियन हैं, जितने भी अच्छे अच्छे टेक्नीशियन हैं जो काम कर रहे हैं मोबाइल लाइन के अंदर, वो मॉडल वाइज काम कभी नहीं करते, वो CPU वाइज काम करते हैं। तो इसका जो CPU है वो क्वालकॉम, आप लोगों को पता होना चाहिए क्वालकॉम का जो नेटवर्क IC है WDR आती है। तो WDR के अंदर क्या क्या वोल्टेज चाहिए होती हैं, कितनी वोल्टेज चाहिए होती हैं, क्या कितनी एम्पेयर होना चाहिए, सारा कुछ जानने के लिए आप लोगों को हमारे यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको उससे भी ज़्यादा डीपली बताऊँगा। तो अभी मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको वो देखते रहें, आपको पता होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसके WDR आपको दिखा दूँ एक बार, देखिए ये WDR IC है, थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये WDR IC है, इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं डायरेक्ट इसके ऊपर दो कैपेसिटर दे रखे हैं ये वाले, इस कैपेसिटर के कारण ही यहाँ से वोल्टेज आके इस WDR के अंदर आती है, फिर ये आउटपुट बना के यह नेटवर्क बनाती है, ठीक है ना दोस्तों। अभी हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ चेक करना है ये जो दो कैपेसिटर हैं, आपको मैं दिखा दूँ एक बार, ये जो दो कैपेसिटर हैं इनके पॉइंट्स में चेक करने हैं कि कितनी कितनी वोल्टेज आ रही है। और आपको वोल्टेज की नॉलेज ज़रूरी है दोस्तों, वोल्टेज की नॉलेज नहीं होगी तो आप मोबाइल का जो काम है वो कर नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। तो वोल्टेज की नॉलेज बहुत ज़रूरी है हमारी लाइन के अंदर। तो अभी फिलहाल मैं सीधा इसको हॉट टेस्टिंग कर रहा हूँ, हॉट टेस्टिंग के लिए हम -20 के अंदर रखेंगे DC वोल्टेज के अंदर, और इसको हम करेंगे ऑन, और हम इसको सेटिंग में जाके नेटवर्क तो यहाँ सर्चिंग करेंगे। देखिए अब इस सर्चिंग के अंदर दौरान हमने दोस्तों हॉट टेस्टिंग करनी है इसकी, तो पावर IC बिल्कुल ओके है। अभी फिलहाल मैं इस WDR पे काम करूँगा,
कि WTR के अंदर मतलब कोई आउटपुट नहीं बना पा रहा, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज बनेगी तभी यहाँ पर जाएंगे PF के ऊपर और ये इनके ऊपर। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा पहले हम फाइनल टच करेंगे, इसको हमने निकालना नहीं है दोस्तों, पहले हम इसको फाइनल टच करेंगे, ठीक है ना। फाइनल टच करने के बाद हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। बने रहे वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहना दोस्तों, इसको हम पूरा बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल में जुड़े रहे हैं और जो नए हैं सब्सक्राइबर हैं जो हमारे, और जो अभी बिल्कुल फ्रेशर है इस लाइन के अंदर, वो हमारे चैनल से जुड़े और पूरी डीपली नॉलेज लें। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ समझा के ज़रूर जाऊँगा दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल मैं इस फ़ोन को खोलूँगा, जो कि मैं खोल ही रहा हूँ आपके सामने दिखा ही रहा हूँ। पूरा फ़ोन डिसेंबल करेंगे हम प्रॉपर। और दोस्तों अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। आप लोग वीडियोस प्रॉपर देखते हैं नो डाउट, बट आप कमेंट्स भी करते हैं बट लाइक नहीं करते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप लाइक करेंगे तो मैं और मोटिवेट करूँगा और मैं चीज़ें आपको बताऊँगा और सॉल्यूशंस ऐसे ऐसे बताऊँगा आपको। तो आप लाइक करना ना भूलें दोस्तों, चाहे डिसलाइक करें, डिसलाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं किसी चीज़ में गलत हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप हमें थोड़ा बताएं। तो अभी फ़िलहाल मैं इस फ़ोन को खोल लिया है और WTR IC के ऊपर जो नेटवर्क IC है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया है, जो कि मैंने आपको बताया कि इसको हम थोड़ा सा फाइनल टच करेंगे, निकालना नहीं है इस IC को अभी। जब भी कोई IC पे आप काम कर रहे हैं तो भाई उसको एकदम नहीं निकालना, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ और अपने हर स्टूडेंट्स को भी वही बताता हूँ, कभी भी एकदम काम नहीं करें IC के ऊपर डायरेक्ट। तो किसी का हाथ साफ़ होता है, किसी का हाथ साफ़ नहीं होता, इसी चक्कर में मैं ये बोलता हूँ। तो फ़िलहाल देखिए मैं IC को थोड़ा सा हम अपनी जगह उसकी जगह से धकेल रहे हैं, ये देखिए हल्का सा उसको हिलाना है कि जो नीचे के जो बॉल्स होता है IC के जो बॉल्स हैं और जो मदरबोर्ड के टिप्स हैं वहाँ तक वो टच हो जाए। कई बार क्या होता है अगर एक बॉल्स भी टच नहीं होएगी तो भी आपका काम नहीं बनेगा। तो देखिए अभी फ़िलहाल मैंने ये आपका फाइनल टच कर लिया है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अभी इसको मैंने हल्का सा फाइनल टच किया है, यानी कि हमने इसको थोड़ा सा हीट करके अपनी जगह से हल्का सा हिलाया। तो अभी देखते हैं इसके अंदर नेटवर्क के अंदर पोजीशन कुछ चेंज हुई है या नहीं हुई। थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे दोस्तों, एकदम गर्म में कभी मत लगाना दोस्तों इसको। तो अभी देखिए ठंडा हो गया ये दोस्तों, इसको मैं कनेक्ट करूंगा।
तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ नेटवर्क नहीं है, तो इसका मतलब हमारे को जो हमारी आईसी है उसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो बने रहिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों, हम उस आईसी को एक बार चेंज करके देखते हैं कि नेटवर्क आता है या नहीं आता। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर जिसके पास आईसी अवेलेबल नहीं हो पाती तो पहले रिप्लेस करने से पहले हमेशा उसको रीबॉल करें, रीबॉल करके लगाएं। कई बार क्या होता है 50% रीबॉल से ही काम बन जाता है, आपको आईसी को परचेज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहले आप इसको रीबॉल करें, उसके बाद ही रिप्लेस करें। तो मैं इसको डायरेक्ट रिप्लेस करूँगा, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी दोस्तों। इसको मैं फिलहाल खोलता हूँ। आई थिंक दोस्तों मैंने एंटीना स्विच नहीं लगाया था, एक बार ये भी देख लेते हैं। अभी फिलहाल मैं एंटीना स्विच लगा के चेक कर रहा हूँ दोस्तों, बट अभी फ़िलहाल इसके अंदर वही सेम प्रॉब्लम, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वहीं पर ही नज़र आ रही है मेरे को प्रॉब्लम। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं आईसी ही चेंज करूँगा, उससे पहले मैं एक बार इसका मैनुअल करके देख रहा हूँ। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, नहीं तो आपको हमारे को मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। जितना आप सीखेंगे ना, उतना जितना आप काम करते रहेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि आप बैठे रहेंगे और वीडियोस देखते रहेंगे तो हो जाएगा काम, आप प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों, हर काम में प्रैक्टिस करें। तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर हमको WTR ही आईसी चेंज करनी पड़ेगी। दोस्तों जब भी आईसी निकालें ना, मैं आपको दिखा दूं, जब भी आईसी निकालें उसकी पोजीशन हमेशा चेक करके रखें कि इसकी पोजीशन कौन सी है। तो आपको मैं दिखा दूं एक बार, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा एक बार सिंपल से। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो पोजीशन है वो इस तरफ है, यानी कि जो नोज कट पॉइंट है वो इस तरफ रहेगा। और हमेशा याद रखना, जब भी नोज ये निकाले तो नोज कट पॉइंट हमेशा यहीं से ही लगाए, ये नोज कट पॉइंट यहाँ नहीं आना चाहिए। ये नोज कट पॉइंट देख रहे हैं आप, ये देखिए, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने की। ये जो नोज कट पॉइंट है वो यही रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों, मतलब इन दो कैपेसिटर के सेंटर में आप मतलब मार्क लगा लें या फोटो खींच के रख लें। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ।
क्योंकि नेटवर्क आईसी हमने निकाल लिया है। इसको अब हम चेंज करेंगे दोस्तों, मैं दूसरी आईसी लगाऊंगा इसके अंदर। उससे पहले मैं इसको हम पहले आयरन से क्लीन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन करने के बाद अभी इसको हम प्रॉपर स्क्रीन WTR IC लगाएंगे दोस्तों। पूरी वीडियो को अंत तक देखना, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। तो अभी फ़िलहाल मैं दूसरी WTR IC है, जो मेरी नई IC है, अभी फ़िलहाल मैं इस IC को रिप्लेस कर रहा हूँ। और ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर IC है। अब इसको मैं इस पर लगाऊंगा मदरबोर्ड पे। अभी फ़िलहाल ये मदरबोर्ड पे लगाएंगे दोस्तों। जब भी आईसी लेवल का काम करें बहुत ही ध्यान से काम करें, और नोज कट पॉइंट जो होता है हमेशा याद रखें। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नोज कट पॉइंट आप भूल जाएंगे तो उल्टी पुल्टी लगाएंगे तो फिर आपका जो नुकसान भी हो सकता है, कहीं वोल्टेज नहीं सही होती वहाँ पर भी वोल्टेज पहुँच जाती है। तो इसलिए नोज कट पॉइंट का मैं बार बार बोलता हूँ कि कहीं उल्टी ना लगा दें आईसी। जो फ्रेशर्स होते हैं वो ज़्यादातर ये गलती कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इस आईसी को लगा रहा हूँ। इस आईसी को लगाने से पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ नोज कट पॉइंट, जो इसके नोज कट पॉइंट का मतलब जो आईसी के ऊपर डॉट लगा होता है, एक छोटा सा डॉट का निशान होता है, उस डॉट का निशान के ऊपर आपको फॉलो करना है। वो जिस जगह से आप निकालेंगे उसी जगह में ही डॉट का निशान आना चाहिए दोस्तों। मैं आपको एक थोड़ा सा क्लीन करके दिखा देता हूँ। तो लगाने से पहले एक बार मैं इसको पेस्ट लगाऊंगा। तो अभी नोज कट पॉइंट हमने देख लिया दोस्तों, बहुत ही आराम से काम करना है, कभी भी जल्दबाजी का काम मत करना, आराम से माइंड फ्री काम करना है। क्योंकि आईसी लेवल का काम में आपको पता ही, हल्का सा भी ऊंच नीच हो जाएगी तो फ़ोन में आपकी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सी नॉलेज होती है, बहुत सी दिक्कतें होती हैं। अगर वोल्टेज की अगर जहाँ वोल्टेज चाहिए वहाँ वोल्ट वन और वहाँ पहुँच गई अगर थ्री तो दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बहुत ही ध्यान से काम करें। तो अभी फ़िलहाल मैंने SIC को लगा रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैंने लगा लिया है। इसको हम फाइनल टच करेंगे दोस्तों। ये हमने फाइनल टच कर लिया है दोस्तों, इसको मैंने फिट कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बिल्कुल आराम से काम करें दोस्तों, ज़्यादा तेज़ जल्दबाजी नहीं करनी। अभी फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगा और उसके बाद चेक करते हैं कि ये ऑन हो, नेटवर्क आता है नहीं आता। और दोस्तों अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट होता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं कहूँ जितने ज़्यादा लाइक मिलते हैं उस हिसाब से मैं आपको मोटिवेट होता हूँ, और उस हिसाब से मैं काम करता हूँ कि आप लोग मुझे प्यार देते हैं तभी मैं काम करता हूँ दोस्तों, तभी मैं आपके आगे सॉल्यूशंस रखता हूँ कि मुझे आप लोग इतना प्यार देते हैं। तो अभी फ़िलहाल देखिए मैं थोड़ा ठंडा होने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि गर्म गर्म में कभी भी मत लगाना दोस्तों। थोड़ा सा ठंडा होने का, रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा ठंडा रखेंगे इसको। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कनेक्ट करूँगा, उससे पहले मैं इसको थोड़ा ठंडा कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल हल्का सा ठंडा हो चुका है, ज़्यादा गर्म में बिल्कुल भी मत लगाना दोस्तों। कई बार फ़ोन ऑन भी नहीं होता और
आप लोग परेशान हो जाएंगे कि फ़ोन ऑन क्यों नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा ठंडा होने दें रूम टेम्परेचर में। इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका जो ऑन ऑफ फ्लेक्स है। दोस्तों आप हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें, और ये तो आपको मैंने एक स्टेप बताया नेटवर्क का, तो हमारे पे बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं, स्टेप बाई स्टेप और भी काम ऐसे आते हैं जो आपको नेटवर्क के अंदर सारा क्लियर कराएंगे दोस्तों। इसको मैं ऐसे ही लगा रूँ, आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है दोस्तों मुझे, मैं तभी मोटिवेट होता हूँ कि हर रोज़ एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के आगे सामने रखूँ कि ये सोल्यूशन है। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर आप हर चीज़ के ऊपर वीडियो बना लेते हैं, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊं, चाहे वो छोटी सी सोल्यूशन हो चाहे बड़ा सोल्यूशन हो। मोबाइल लाइन के अंदर सारे सोल्यूशंस आने ज़रूरी हैं दोस्तों। तो अभी मैं इसको फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ, ऑन करके चेक करते हैं नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसको ऑन करने का वेट करेंगे दोस्तों। ये थोड़ा बूट लेगा, बूटिंग करेगा। तो देखिए दोस्तों बूटिंग कर रहा है अभी फ़िलहाल, इसकी बैटरी लो हो गई थी, दोबारा से मैंने इसको चार्ज किया थोड़ा सा, तो अभी फ़िलहाल इस चार्जिंग में लगा के मैंने इसको ऑन कर रहा हूँ। तो बने रहना दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना दोस्तों। वेट करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा बूटिंग ले रहा है, बूटिंग करने में टाइम लगता है, थोड़ा सा ऑन होने में टाइम लगता है जब भी ऑफ होता है। तो इसकी बैटरी भी हिल गई थी अभी। तो देखिए दोस्तों अभी ये पूरा आप देख सकते हैं नेटवर्क आ चुका है, यानी कि हमारे WTR के अंदर ही दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, ये रही इसकी IC जो हमने चेंज करी है। तो अभी फिलहाल ये आप देख सकते हैं पूरा नेटवर्क फुल आ चुका है। तो अभी कॉल भी करके देख लेते हैं अगर इसमें बैलेंस वैलेंस होगा तो। आपका स्वागत है। तो ये हमारी IC में ही दिक्कत थी दोस्तों, आप देख सकते हैं कॉल भी मिल चुकी है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत से सोल्यूशंस है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ऐसे ही हमारे पास बहुत से सोल्यूशंस हैं दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ आप ज्वाइन करेंगे, बहुत सी चीज़ें हम आपको ऐसे बताएंगे जो अभी हमने अभी इसके अंदर YouTube के अंदर चैनल के अंदर अभी बहुत सी ट्रिक्स हैं ऐसे जो मैंने बताई नहीं है अभी, जो हमारे पास चैनल में जुड़ते हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको तो मैं बहुत सी चीज़ें बताता ही बताता हूँ, और प्लस मैं जो स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास उनको प्लस चीज़ें और भी चीज़ें बहुत कुछ बताता हूँ। तो हमारे यहाँ ज्वाइन करें, अपना व्हाट्सएप करें जिसने भी ज्वाइन करना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, आसपास सफाई रखें और पशु पक्षियों का ध्यान रखें और पानी दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।